नीलम सिंह स्वाद खजाना में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी लाल चने का घुगनी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 200 ग्राम चना लेंगे और इसे लाल चना लेंगे और इसे रात भर फूलने के लिए डाल देंगे और सुबह में जब ये फूल जाएगा तो इसे अच्छे पानी से धो के छान लेंगे। और हम एक कुकर लेंगे और कुकर में 2 ग्लास पानी डालेंगे और फूले हुए चने को उसमें डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नारियल का बुरादा डालेंगे। आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन नारियल का बुरादा डालने से लाल चना जो है वो काला नहीं होता है। ये जो मेरा चना है ये बॉयल किया हुआ चना है, तो पहले जो हमने स्टेप सिखाया उसे आप फॉलो करें और उसके बाद जो मैं सिखाऊंगी उसे आप ध्यान दें। घुघनी बनाने के लिए 2 कटी हुई प्याज लेंगे और 1/2 चम्मच जीरा और काली मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और सरसों का तेल और 1 कप हम कच्चा चना लेंगे, जो हमारा लाल चना है फुलाया हुआ उसे 1 कप हम लेंगे और ग्राइंडर में पीस के दरदरा ही पीसेंगे, इस तरह से बना लेंगे। और 1 टमाटर पीसा हुआ और 4 हरी मिर्च। हम एक पैन लेंगे और गैस को ऑन करेंगे और इसमें सरसों तेल डालेंगे और जो प्याज है उसे आधा ही हम डालेंगे। अभी हमारा तेल गरम नहीं हुआ है, तेल गरम होगा तो इसमें हम आधे प्याज को ही डालेंगे और आधा प्याज रखेंगे। देखिए हमारा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम प्याज को डाल देंगे और इसे ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए ये ब्राउन हो गया है, इसे हम खूब डीप ब्राउन कर लेंगे। ये तैयार हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। आधे प्याज को हम फिर से तलेंगे हल्का ब्राउन होने तक। देखिए हल्का ब्राउन हो चुका है, अब हम इस चने को इसमें डाल देंगे और डाल के इस तरह से चलाएंगे और इसमें सारे मसाले को हम डाल देंगे। और ये जो हमारा चना है जो दरदरा पिसा हुआ है उसे भी हम डाल देंगे और ये टमाटर जो है वो पिसा हुआ है उसे भी डाल देंगे और हरी मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसमें थोड़ा हम पानी भी मिला देंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए अब मसाला अच्छी तरह से पक गया है, अब प्याली पानी डाल देंगे और इसे पकने देंगे। मीडियम आंच करके इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए जब इसमें इस तरह से उबाल आने लगे तो आप गैस को ऑफ कर दें और ये जो मैंने प्याज डीप ब्राउन करके रखा हुआ है इसे हम इसमें मिला देंगे। अब हमारा घुघनी तैयार हो गया। अब हमारा घुघनी तैयार हो गया है, आप इसे ब्रेड, रोटी या पाव के साथ भी खा सकते हैं। यदि मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।